हे दिस इज़ कामिल फ्रॉम कैम डिज़ाइन। तो आज हमारी वीडियो कुछ अलग होने वाली है। जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा था वो मैं एक दो दिन में आगे की वीडियोस अपलोड करूँगा, मगर मैं जो आज वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो इमेज कंपोजिशन की होने वाली है हमारी वीडियो, जिसमें मैं मल्टीपल इमेजेस को लेके उनको कंबाइन करके एक सिंगल इमेज बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये आज की इमेज कंपोजिशन की वीडियो बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो पहले इसमें क्या है कि हमने ये तीन इमेज ले रखी। मैंने पहली इमेज हमारी ये है, दूसरी हमारी इमेज ये है, तीसरी इमेज हमारी ये है। ठीक है, तो पहली इमेज है जिसमें ये कैमरा उछाल रहा है और ये बैकग्राउंड ले रखा है मैंने, और ये एक एथलीट ले रखा है। तो मैं इन तीनों इमेज को कंबाइन करूँगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का रिजल्ट आएगा आपके सामने। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन मैं कंपोजिशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए करता हूँ मैं। तो पहले हमारी इमेज खोल लेते हैं। ये इमेज हमारी, इसमें से मुझे हैंड को कट करना है। तो हैंड को कट करने का आपको तरीका पता है, सिलेक्शन टूल लेना है और जस्ट हैंड पे जाना है और आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ से ये देखिए, हैंड को मैंने कट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप सिलेक्शन टूल मैंने बता दिया है, आप इसको कट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये बैकग्राउंड है और तीसरा हमारा ये एथलीट है। तो इसको भी हमें यहाँ से कट करके निकालना है। तो इसको भी वही से कोई सिलेक्शन टूल से ही इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इजीली, बहुत आसानी से इजीली ऐसे सिलेक्ट करते चले आएंगे आराम से नीचे तक। ठीक है, तो मैंने इसको भी कट करके रखा है ये। तो अब मैं इसको ले चलता हूँ अपनी उस इमेज में, इस इमेज में इसको ऐसे होल्ड करके यहाँ पे लाके ड्रॉप करता हूँ। ठीक, इसको मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा मुझे सेट करना है, सेट इन द सेंस साइज और पोजीशन। कंट्रोल टी करिए ट्रांसफॉर्म के लिए और थोड़ा छोटा कर लीजिए। ओके, सो मूव, इसको मूव कर दीजिए। ये हमारी इमेज मूव हो गई। अब इसके पीछे हम बैकग्राउंड लगाएंगे, ये वाला। इस बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल ये, और इसको फिर हम अपनी उस लेयर पे ले आते हैं। ये हम ले आए, ये बैकग्राउंड हमारे सबसे पीछे है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे नीचे रखेंगे इसको। ये हमने इसको नीचे रख लिया, कंट्रोल टी करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ इसको रखा और इसको बड़ा किया, इसको और बड़ा किया, इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। इस हाथ को मैं थोड़ा और नीचे नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे परफेक्ट। और इस इमेज को थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ, वो पीछे वाला ये चिमनी दिखती रहे। ठीक, तो ये इमेज हो गई मेरी। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, दैट्स गुड। अब मुझे क्या करना है कि इस बैकग्राउंड से इन दोनों इमेजेस को मैच करना है। तो पहले मैं ये एथलीट को मैच करूंगा। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, एक कर्व लेना होगा। कर्व लिया मैंने। ठीक, उसके बाद ये सैंपल पे जाइए यहाँ पे, तो ब्लैक पॉइंट सेलेक्ट करिए इमेज का सबसे ब्लैक पॉइंट। ये मैंने मान लीजिए यहाँ से एक सैंपल ब्लैक लिया मैंने। ठीक, उसके बाद इस इमेज से मैं ब्लैक पॉइंट उठाऊंगा।
उस इमेज से लेफ्ट हैंड में जूम करिए। मान लीजिए इसके ईयर के पास से आपने ब्लैक पॉइंट उठाया, ठीक। यहाँ से आप इस पर मास्क कर दीजिए ताकि जो इफेक्ट हो इस इमेज पे अप्लाई हो। यहाँ से आपने ब्लैक कलर लिया, उसके बाद आपको व्हाइट कलर लेना है, ब्राइटेस्ट कलर। तो इसका ब्राइटेस्ट कलर ये है, मान लीजिए मैंने लिया, ठीक। उसके बाद मैंने इसका इस इमेज से ब्राइट कलर उठाने के लिए मैंने इसकी शर्ट का ये यहाँ पास सैंपल लिया, ठीक। तो ये मेरा कुछ कुछ उससे मर्ज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक ग्रे कलर लेना है। ग्रे कलर लेने के लिए मैंने यहाँ से एक सैंपल ले लिया, ठीक। और इसमें मैं इसकी शर्ट पे से इसकी स्किन पर से लूँगा सैंपल यहाँ से, ठीक। तो ये मेरा इस बैकग्राउंड से ये इमेज मैच हो गया, ये आप देख रहे हैं इफेक्ट, इंस्टेंट इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको मैच करूंगा। इसके लिए मैं एक दूसरी कर्व्स लूंगा, कर्व लिया मैंने। उसके बाद मैं फिर सैम्पलिंग करूंगा, डार्केस्ट कलर इसमें से लूंगा और इसमें से डार्केस्ट कलर लूंगा। इसको इसके ये अभी मैंने नहीं बताया है, जिनको पता है उनके लिए कोई मसला नहीं है, मगर मैं इसको बताऊंगा क्लिपिंग मास्क के बारे में, ठीक। ये मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, व्हाइटेस्ट ब्राइटेस्ट कलर लेना है मुझे। ब्राइटेस्ट कलर के लिए मैंने सैम्पलिंग ली, यहाँ सैंपल उठाया। तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक सैंपल उठाया, ये मेरा ब्राइटेस्ट कलर हो गया। उसके बाद मिड टोन कलर मुझे उठाना है। मिड टोन कलर उठाने के लिए यहाँ से मैंने एक सैंपल लिया और उसके बाद एक कलर मैंने स्किन पर से ले लिया। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ करूँगा मैं, यहाँ से मैं आके एक सॉलिड एक न्यू कलर लूँगा, उस पर मैं एक सॉलिड कलर लूँगा। सॉलिड कलर लेने के लिए मान लीजिए मैंने येलो लिया, ठीक है। पहले मैं मूड चेंज कर लेता हूँ, कलर कलर मैंने मूड चेंज किया। उसके बाद मैं इसका ये वैसे ये भी काफी कूल लग रहा है, मगर ये नहीं करना था हमको। मुझे करना क्या है, मुझे सॉफ्ट लाइट रखना है, यहाँ से कलर जो चेंज करना है वो ये कलर लेना है। ठीक, तो इस तरह से आप इमेज कंपोजिशन इजीली कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की हमारी इमेजेस थी और मैंने किस तरह कंपोजिट किया है, ठीक है। इस तरह से इमेज कंपोजिशन आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें पहले क्या क्या करना है, इसमें पहले हमको सारी इमेजेस को कट कर लेना है, फिर बैकग्राउंड से इमेज को मर्ज करना है, ब्लेंड करना है। उसके बाद उसमें कलर करेक्शन करके पूरी तरह से एक सिमिलर इफेक्ट प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। तो अगली वीडियो जो होगी मेरी उसी ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।